जब तक झारखंड में 1932 खतियान लागू नहीं होगा तब तक घर वापस लौटकर नहीं आऊंगा। सरकार के सत्ता पक्ष जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम का ये बयान मीडिया में सुर्खियां बटोर रही है। झारखंड के ये विधायक जिस तरह के ऐलान करके घर से निकल गए हैं, हर क्षेत्र में इस बात की चर्चा हो रही है। घर से बाहर निकलकर झारखंड में घूमने वाले एकमात्र विधायक लोबिन हेम्ब्रम है। झारखंड के हितों की बातों को बेबाक तरीके से रखकर जनता के दिल में बस गए हैं। बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रम मंगलवार की सुबह 11:10 में बोगनाडी पहुंचकर वहां की पवित्र भूमि को नमन किया, साथ ही मिट्टी का तिलक लगाया। लोबिन हेम्ब्रम जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लोबिन हेम्ब्रम जिंदाबाद, जिंदाबाद। इसके बाद अमर शहीद सिद्धू कान्हू चांद भैरव की प्रतिमा पर मालायार्पण और श्रद्धा सुमन अर्पित कर अपने अभियान का शुभारंभ किया। अमर रहे हमारे, सिद्धू कान्हू अमर रहे, अमर रहे हमारे, चांद भैरव अमर रहे, अमर रहे हमारे, बुलंद नाला अमर रहे, अमर रहे हमारे। मौके पर भोगनाडी में जुटे लोबिन हेम्ब्रम के कार्यकर्ता और समर्थकों ने शिबू सोरेन जिंदाबाद, सिद्धू कान्हू अमर रहे के नारे लगाए। उन्होंने कहा कि झारखंड में 1932 के खतियान के आधार पर नियोजन नीति लागू करना उनका मकसद है। इस मकसद को लेकर वो अभियान पर निकले हैं। पूरे राज्य में घूम घूम कर आदिवासी और मूलवासियों को जागरूक करने का काम करेंगे। मौके पर लोबिन हेम्ब्रम के साथ सिद्धू कान्हू के वंशज मंडल मुर्मू मुख्य रूप में शामिल थे। उन्होंने कहा कि राज्य गठन के 22 साल बाद भी नियोजन नीति नहीं बन पाना अफसोस की बात है। करेगा तो क्या होगा, होगा। लागू नहीं करेगा तो क्या होगा, होगा। लागू नहीं करेगा।